नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एडमिशन सत्र 2021 और 22 में, क्योंकि इस बार कई सारे इंस्टीट्यूट में नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन आपको मिलेगा। तो ये एक ऐसा अवसर होगा कि इसके कट ऑफ कितने मार्क्स लाने होंगे, इन बारे में जानने की इच्छा सभी की होती है, क्योंकि उसी प्रकार आप सभी लोग अपनी मेहनत से उतने ही कट ऑफ तक या उस मार्क्स तक पहुँचने की भरकस कोशिश की जाती है। तो आइए देखते हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं चीज़ों को, जिससे रणनीति बनाने में आसानी हो सके। देखिए, एक नज़रिया डाल लेते हैं, कितने लोग कब भी कब का फॉर्म भरे हुए हैं, सबसे पहले उसी से रणनीति तय हो जाती है लगभग। तो यहाँ देखिए, 2018 में करीब 13 लाख, 13.25 लाख लोग फॉर्म भरे, उसका 92% लोग अपीयर हुए, एग्ज़ाम में बैठे। इस तरह 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, फिर उससे ज़्यादा 15,97,000 लोग जो लोगों ने फॉर्म भरा, तो यानी करीब 16 लाख लोगों ने पिछले साल फॉर्म भरा था। अब मान के चलिए इससे ज़्यादा ही 2021 में फॉर्म पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि 16 लाख का टारगेट जो है ये पार हो जाएगा। इसी का आंकड़ा हम मान के यहाँ पर चलते हैं। अब आप के स्क्रीन पर एक यहाँ पर लिस्ट जो है, हमने टॉप 50 कैंडिडेट्स लिए हैं, उसकी लिस्ट ली है, जो पिछले साल नीट में स्कोर लाए थे अपना, तो उनकी यहाँ पर लिस्ट है। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो बीएससी नर्सिंग है उसके बारे में एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में बता पाना कठिन है, क्योंकि अभी तक कभी बीएससी नर्सिंग में नीट के तहत जो इंस्टीट्यूट शामिल इस साल हुए हैं वो नहीं शामिल थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ इंस्टीट्यूट शामिल हो रहे हैं, तो उनका कट ऑफ कितना जाएगा वो इसी साल पता लग पाएगा। तो यहाँ एक एमबीबीएस और बीडीएस, इनके कट ऑफ के बारे में ही बात की जा सकती है। इन्हीं के कट ऑफ को आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जाता है। तो उस जब सारे एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज मेडिकल लाइन्स के हैं वो सारे भरेंगे, फिर उसके बाद वाले लोग ही तो बीएससी नर्सिंग में जाएंगे। तो वही है कि कट ऑफ कितना जाएगा इसके बारे में एग्जैक्ट लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखिए, शोएब जो है आफ्ताब हैं, जो मेल अनरिजर्व में 720 यानी 720 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 720 में 720 ही मार्क्स ये ले आए थे। उड़ीसा के रहने वाले थे, स्टेट के। सेकंड रैंक दिल्ली के की थी, तो उनका फीमेल कैंडिडेट थी उनकी थी। फिर उसके बाद आपको मिलेंगे, एक 715 नंबर लाए थे जो है 720 में, तेलंगाना, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से आप देखेंगे। तो ये स्टेट्स सारे के सारे यहाँ पर दिए गए थे, और आप देख सकते हैं बाकी उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश 79 पर, 18 पर आंध्र प्रदेश, 19 पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, दिल्ली, पंजाब, इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है, अगर हम 40 टॉप 40 ले रहे हैं तब भी यहाँ 705 तक गिर रही है। तो आप देख सकते हैं कि करीब 200-300 नंबर के आसपास अगर भी आपके नंबर्स आ जाते हैं, आप वहाँ पर ले आते 200-300 के आसपास नंबर भी, अगर 250 नंबर ही मान लीजिए अगर आपके आसपास आते हैं, तो आपके चांसेस अच्छा इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट आप चाहेंगे तो वो इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। आप मान के चलिए कि जो 700 नंबर का जो पेपर होता है उसमें आपके जो है 250 के भी आसपास अगर मार्क्स आ जाते हैं, तो आप जो इंस्टीट्यूट चाहेंगे वो इंस्टीट्यूट के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे मिलने के। तो ये आपके इसी के, इससे कम ना होने पाए, इससे ज़्यादा ही रहें बीएससी नर्सिंग के लिए, क्योंकि टॉपर्स में तो एमबीबीएस अब यहाँ पर देख सकते हैं, पहली सीट एंड जो पहली रैंक है वो कोई अगर बंदा सेलेक्ट करता है तो आपके सामने है एम्स दिल्ली, सबसे पहली रैंक, और 50 सीट्स यहाँ हैं, और पूरी की पूरी यहाँ पर क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं। इसी तरह आप जिप पर है, इसके बाद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है किसके बाद। तो यहाँ पर एम्स के बाद जिपमर में जो है टॉपर्स गए हैं, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं अगला है पुणे का कॉलेज है, फिर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा है, एस एम एस मेडिकल कॉलेज जयपुर है,
फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इसी तरीके से सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है इस तरह चंडीगढ़। तो इस तरीके के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से किसके पसंद के रहते हैं। तो अगर इनसे आपको मिल जाए मौका जो है बीएससी नर्सिंग करने का, तो आप सोचिए जैसे एम्स में मिल जाए, आपको जिपमर में मिल जाए, क्योंकि इस बार जिपमर पहली बार शामिल हो रहा है। तो अगर आपके 300 सवा 300 स्कोर तक भी आप ले पाते हैं, तो सोचिए जिपमर में अगर आपको मिलेगा तो कितना अच्छा मौका होगा, जैसे 300+ आप मार्क्स ले आए तो चांसेस बन जाएंगे, एक मेरा ऐसा मानना है। तो आपको जिपमर मिल जाएगा। बाकी जो बात रही यहाँ पर एम्स की, तो एम्स का तो अलग से एग्ज़ाम होता ही है, तो उसकी बात ही अलग यहाँ पर है। इस बार अभी तक 2 इंस्टीट्यूट शामिल हुए हैं, जिपमर और जो है बीएचयू आईएमएस। तो ये इंस्टीट्यूट शामिल हो गए हैं, इनकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया एक हम दे रहे हैं आपको, करीब 40 से 50% के आसपास अगर आप ले आते हैं मार्क्स जो है, तो 40% भी मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स माने जाएंगे बीएससी नर्सिंग हमें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो थोड़ा सा राहत जरूर देगा, एक आपके दिमाग में 720 लाने का या 700-600 लाने का टारगेट ना रख के आप 300-250 के आसपास मार्क्स लाने के टारगेट रख के, 300 मान लीजिए 300 10-20 नंबर इधर या उधर के आसपास ला के आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका काम हो जाएगा और आप आसानी से इन अच्छे इंस्टीट्यूट्स में बीएससी नर्सिंग करने का मौका पा जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले किसी यूज़फुल वीडियो में आपके सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं एक कट ऑफ हम आपको और दिखा देते हैं, एक चीज़ यहाँ पर जाते जाते क्लियर कर देते हैं। परसेंटाइल शब्द आप बार बार नीट में सुनेंगे तो उसकी हम बात कर देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये परसेंटाइल दिया गया है, तो परसेंटाइल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो टॉपर होता है उसके मार्क्स को, जैसे मान लीजिए टॉपर 700 नंबर पाया और आप पाते हैं जो है 600 नंबर, या आप कुछ और नंबर पाते हैं 630 नंबर जैसे मान लीजिए आप पाते हैं यहाँ पर, तो ये आपका परसेंटाइल निकलेगा। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो आपका निकल के आएगा यहाँ पर, तो वो जो निकलेगा वो आपका परसेंटाइल होगा यहाँ पर, आप जो निकल पाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, ये 100 कट गया और यहाँ पर आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो 90% जो आपका आएगा, ये 90% आपका होगा। तो इस तरीके से ये परसेंटाइल निकाला जाता है, यानी जो टॉपर्स होता है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का, उस पेपर का, जो उस पेपर का, क्योंकि पेपर के क्राइटेरिया यहाँ अलग अलग होते हैं, तो हर पेपर का जो टॉपर होगा उसका 100% मान लिया जाता है, जो वो पेपर सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता है। जैसे इस पाले पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पिछले वाले में तो 720 ही मार्क्स आ गए थे, तो टॉपर 720 ही हो गया था। तो मान लीजिए 700 नंबर ही आते हैं तो आपके उसमें कितने आए, उसी के हिसाब से परसेंटाइल निकाल लिया जाता है। तो ये चीज़ भी आप समझ पाए होंगे उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय।